हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें से हम वही टॉपिक करेंगे जो कटे हुए नहीं है, न्यू सिलेबस में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, कितना अच्छा है लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, कितने तरह के लिविंग चीज़ें हैं, हैरान कर देते हैं कि कितने तरह के लिविंग एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। द एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड, देखिए हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह। एक्स्ट्रॉर्डिनरी, नॉर्मल जो हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा, आपके ऑर्डिनरी से बिल्कुल हटके जो हैबिटेट्स हैं, इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाते हैं। बी इट कोल्ड माउंटेन्स, चाहे ठंडी आपकी पर्वत हों, डेसीडुअस फॉरेस्ट हों, ओशंस हों, फ्रेश वाटर लेक्स हों, डेजर्ट्स हों या हॉट स्प्रिंग्स हों, लीव्स अस स्पीचलेस, हमें ऐसा कर देते हैं कि हम बोल भी नहीं पाते कि क्या इन जगहों पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड, द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, देखिए हॉर्स की सुंदरता, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले बर्ड्स हैं, वैली जो फ्लावर्स की, बहुत सारे फ्लावर्स जो किसी वैली में, घाटी में होते हैं, और द अटैकिंग शार्क, एकदम से अटैक करने वाली जो शार्क है, ही वॉक्स आव एंड ए डीप सेंस ऑफ वंडर, हमारे अंदर एकदम से आश्चर्यजनक फीलिंग पैदा करती है। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग द मेम्बर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, जो इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है या कॉपरेशन भी है मेम्बर्स में, एक ही पॉपुलेशन के मेम्बर्स जो है उनके अंदर कॉम्पिटिशन भी होता है और एक दूसरे के हेल्पिंग जो नेचर है वो भी होता है, एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, और इवन द मोलिकुलर ट्रैफिक इन साइड ए सेल, सेल के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट है जिसे मॉलिक्यूलर ट्रैफिक कहते हैं, मेक्स अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इनडीड इज लाइफ, इस सेल के अंदर का इतना माइक्रो लेवल का जो मूवमेंट है उसको देखकर हमें क्या होता है, हम हैरान हो जाते हैं कि रियली मेरी लाइफ क्या है। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, तो पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि लिविंग में ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग में नहीं है, एंड द सेकेंड इज़ ए फिलोसफिकल, दूसरा क्वेश्चन फिलोसफी की तरफ जाता है, एंड सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ इज, कि भाई लिविंग बनाने की ज़रूरत क्या थी, लाइफ की अर्थ पर या कहीं भी ज़रूरत क्या थी। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड, साइंटिस्ट की फॉर्म में हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग, यानी इस लेसन में हम क्या जानना चाहेंगे कि लिविंग क्या है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, 1.2 जो है वो है सिलेबस में, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पैट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, कह रहे हैं कि जब आप चारों तरफ देखोगे तो बहुत तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे गमले में प्लांट हो, इंसेक्ट हो, बर्ड्स हो, आपके पैट्स यानी जो आपके कुत्ते बिल्ली, और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, या कोई दूसरे एनिमल और प्लांट हो। देर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई, बट दे आर ऑल अराउंड यू, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो आप देख नहीं सकते अपने चारों तरफ नेक्ड आई से, बट नेक्ड आई मीन्स बिना माइक्रोस्कोप या बिना स्पैक्स के, बट दे आर ऑल अराउंड यू, लेकिन वो आपके चारों तरफ हैं। इफ़ यू वर्ट टू इंक्रीज द एरिया, अगर आप और एरिया बढ़ाते हैं, दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज, और ज़्यादा देखोगे तो आपको और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट, अगर आप बहुत गहरे जंगल में जाते हैं, यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर, आप और ज़्यादा नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखोगे, एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इंट ईच सी ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, आज तक जितनी भी स्पीसीज का पता चला है वो लगभग कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास स्पीसीज का हमें पता चल चुका है जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। दिस रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द
अर्थ, इसी को हम क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, कि लिविंग में कितनी वैरायटी है। वी शुड रिमेंबर हेयर दैट वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बींग आइडेंटिफाइड। जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं तो नए नए एरियाज, नई नई आपके ऑर्गेनिजम्स या पुराने भी इवन, उनको क्या करते रहते हैं आइडेंटिफाई करते रहते हैं लगातार। एज स्टेटेड अर्लियर देर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर एरिया बाय देवर लोकल नेम्स। आपको पता वर्ल्ड में बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, हमारे आसपास के प्लांट एनिमल को हम लोकल नेम से जानते हैं। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये लोकल नेम्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह वेरी करते हैं, इवन विद इन ए कंट्री, इवन कंट्री में भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एरियाज में उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways. और इवन क्या होता है, आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि किस नाम से आपने उसको देना है, क्या नाम से आपने उसको जानना है या बात करनी है। To refer to organisms we are talking about, आप अपने एरिया में उसको किसी और नाम से जानते हैं, कहीं और जाते हो तो उसका नाम कुछ और हो जाता है। Hence there is a need to standardize the naming of living organisms. इसलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक स्टैंडर्ड नेम की ज़रूरत है, दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसका हम एक ही नाम किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएं उसी नाम से जाना जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं नोमेनक्लेचर बोलते हैं, कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऐसा नाम देना कि पूरे वर्ल्ड में वही नाम है। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, कब पॉसिबल है जब उसको आप करेक्टली डिस्क्राइब करो, एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू। हम ताकि पहले डिस्क्राइब करें कि एनिमल क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, और उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी का पता लगाना आइडेंटिफिकेशन है, फिर उसको नेम देना वो नोमेनक्लेचर है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म। इस स्टडी को और ईजी बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसीजर असाइन करते हैं साइंटिफिक नेम देने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो सभी वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके लिए वो क्या रहता है, एक्सेप्टेबल रहता है। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। देखिए ISBN क्या है, इंटरनेशनल कोड है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का, उसमें जो प्रिंसिपल्स और क्राइटेरियाज दिए गए हैं उसके हिसाब से नेमिंग की जाती है प्लांट्स की। यू मे आस्क आवर एनिमल्स नेम्ड, एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो एनिमल्स के लिए हमारे पास ICZN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो इसमें एनिमल्स की नेमिंग की जाती है। द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, साइंटिफिक नेम्स क्या इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नेम होगा। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. किसी भी organism का जो description है वो उसको उसी नाम पर पहुँचाएगा चाहे world में कहीं भी हो। They also ensure that such a name has not been used for any other known. वो ये भी ensure करते हैं कि वही नाम किसी दूसरे organism को ना दिया जाए। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to नॉन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट जो क्या फॉलो करते हैं, जो पूरे यूनिवर्स में प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत दिए गए हैं साइंटिफिक नेम के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ईच नेम इज़ टू कंपोनेंट, जो कोई भी नाम आप देते हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ये पार्ट है किसी नेम के। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो वो सिस्टम जिसमें किसी भी नाम के दो पार्ट होते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, उसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लाइनस, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेमिंग सिस्टम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लाइनस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कैरोलस लाइनस ने जो दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उसी को पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए टू वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट, ये जो नेमिंग सिस्टम था ये सबको आसान लगा, ईजी लगा,
फॉलो किया सबने। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। द साइंटिफिक नेम्स ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है ये मैंजीफेरा इंडिका है। लेट अस सी हाउ इट इज बायनोमियल नेम। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट जीनस वाइल इंडिका इज ए पर्टिकुलर स्पीसीज। यानी ये स्पेसिफिक एपिथेट है और ये क्या है आपका जेनेरिक नेम यानी जीनस है। और ये स्पेसिफिक एपिथेट अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज़ फॉलोज। दूसरे जो यूनिवर्सल रूल्स हैं वो कौन से हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लेटिन। पहली चीज़ क्या लेटिन में लिखते हैं नॉर्मली रिटन इन इटैलिक्स। आप क्या करते हो लेटिन और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। देयर लैटिनाइज्ड टू डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजन। ओरिजन से नहीं बल्कि लैटिन वर्ड से उनका नाम ड्राइव किया जाता है। फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस वाइल सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन जब दोनों वर्ड्स को आप हाथ से लिखते हो आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजन। या तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे या फिर हम क्या करेंगे दोनों को अलग अलग जैसे आपने ऐसे लिखा मैंजीफेरा इंडिका अलग अलग आपको अंडरलाइन करना है जब हाथ से लिखना है। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल। देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर है वर्ल्ड स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट यहाँ पे आपने आई कैसा बनाना है स्मॉल बनाना है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। आप कुछ तरीके से लिखना है या तो इटैलिक्स में लिख दीजिए या फिर अगर आप सिंपल लिखते हो तो आप उनको अंडर अलग अलग अंडरलाइन कीजिए। नेम द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जो ऑथर का नेम है वो आप स्पेसिफिक एपिथेट के बाद डाल सकते हो। दैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन द एब्रीविएटेड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका लिन। लिन मीन्स आपका लाइनस। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लाइनस सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग। देखिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना इम्पॉसिबल है। इट इज़ नेसेसरी ये जरूरी हो जाता है टू डिवाइड सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए हमें कुछ रास्ते अपनाने पड़ेंगे। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो क्लासिफिकेशन एक वो प्रोसेस है किसी भी चीज़ को हम ग्रुपिंग करते हैं कन्वीनियंट तरीके से कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को डिनोट करके। जैसे वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स और डॉग्स कैट्स और इंसेक्ट। इन सबको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं यानी अलग अलग बता सकते हैं ये डॉग है ये कैट है। Obviously, each one of us will see dogs and not cats. हमारे में से सबने dogs को देखा होगा cats को नहीं देखा होगा। तो if we were to think of Alastrians, we know that we are talking about. अगर Alastrians की बात करें तो हम समझ जाते हैं किसकी बात कर रहे हैं। Think of animals with external ears and body hair. सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स अगर मैमल्स की बात करें तो आप क्या सोचोगे एकदम से वो एनिमल्स जिनके एक्सटर्नल ईयर्स हैं और बॉडी हेयर भी है। लाइक वाइज इन प्लांट्स इफ वी टॉक टू वीट द पिक्चर इन विच आवर माइंड विल बी ओ वीट प्लांट्स नॉट ऑफ राइस और एनी अदर। वीट कहते ही वीट का दिमाग में आएगा ना कि राइस का या किसी और का। एंड सो ऑल दीज डॉग्स कैट्स मैमल्स वीट राइस आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। हमने ये कैटेगरीज बना ली भाई जिससे हम उनको बिल्कुल अच्छे से पहचान कर सकते हैं कि ये है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। इन कैटेगरीज के लिए हमने जो साइंटिफिक टर्म यूज़ की उसका नाम है टैक्सा। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज द टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। प्लांट्स आल्सो फॉर्म ए टैक्सा वीट इज आल्सो टैक्सा सिमिलरली एनिमल्स मैमल्स डॉग्स आर ऑल टैक्सा। But you know that a dog is a mammal. Mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different level. तो ये तीनों ही चीज़ें अलग अलग लेवल के टैक्सा की बात करेंगे। Hence, based on the characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is known as टेक्सोनॉमी। इस तरह की क्लासिफिकेशन जिसमें हर एक को हम एक अलग अलग टैक्सा में बताते हैं उसे हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल
एक्सटर्नल होता है किसी का बाहरी स्ट्रक्चर, इंटरनल होता है किसी का अंदरूनी स्ट्रक्चर, इवन उसके सेल का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी डेवलपमेंट भी देखेंगे किस तरीके से वो बना हुआ है, प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है उसकी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे, आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ यानी किसी चीज़ का टैक्सा फिक्स करने के लिए इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसका बाहरी स्ट्रक्चर, उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर, सेल की डेवलपमेंट, उसकी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, हेंस करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। देखिए करेक्टराइजेशन मीन्स किसी का पता करना कि ये करेक्टर्स हैं इसमें, आइडेंटिफाई उसके करेक्टर्स के बेस में पता करना कि ये है भाई इसका नाम, क्लासिफाई करना पड़ेगा किस किस कैटेगरी में आएगा, और फिर उसको नेमिंग देनी पड़ेगी, यानी इन सबको क्या बोलते हैं हम, ये प्रोसेसेस हैं जो टैक्सोनॉमी में फॉलो करनी है। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। शुरू से ही हम जानते रहे हैं, जानने की कोशिश करते रहे हैं, particularly with their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs. शुरू में food के लिए, clothing के लिए, shelter यानी रहने की जगह के लिए हम basic चीज़ें ढूंढते रहते थे. Hence, earliest classification were based on the uses of various organisms. शुरू की जो classification थी वो अलग अलग organisms के use के ऊपर थी, भाई कौन सा organism किस use में आना है, उस हिसाब से हम उसको identify करते थे, उसकी characteristics study करते थे. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematics. इसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स बोलते हैं, जिसमें हम पता करते हैं अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म और उनकी वराइटीज. द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड सिस्टमा. लेटिन वर्ड सिस्टमा जिसका मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना हमने ऑर्गेनिजम्स का, जैसे नॉन लिविंग में हम एक शॉप पर चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं, ऐसे लिविंग में हमें एनिमल्स का, ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट करना है. लाइनस यूज सिस्टमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ दिस पब्लिकेशन. उसने अपनी एक बुक पब्लिश की और उसका नाम क्या रखा था, सिस्टमा नेचुरे. तो देखिए अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइनस की बुक जो थी, पब्लिकेशन थी, उसका नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरे. द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वॉज लेटर एंड लास्ट टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन. फिर सिस्टमेटिक्स को हमने और ज़्यादा डाइवर्स किया, और ज़्यादा आगे बढ़ाया, आइडेंटिफिकेशन से, नोमेनक्लेचर से, क्लासिफिकेशन से. सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म. सिस्टमेटिक्स किस किस चीज़ को लेती है, इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है, यानी कौन सा एनिमल, कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा प्लांट, उसके जो एंसेस्टर हैं, पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स, वो किस तरह के थे, उसकी भी स्टडी को क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व करते हैं हम सिस्टमेटिक्स में. सो दिस वॉज अबाउट द सिस्टमेटिक्स एंड टेक्सोनॉमी. नेक्स्ट पार्ट में हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज स्टडी करेंगे.